हम आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे कि वो प्रॉब्लम कंप्यूटर में क्यों आती है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि VMware में इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, बिना इसकी रिक्वायरमेंट जाने मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको बताएंगे प्रॉब्लम क्या है हमारी। अभी ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह का एक नोटिफिकेशन या एरर मैसेज हमें दिखाएगा कि दिस इंस्टॉलेशन पैकेज इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द प्रोसेसर टाइप, कॉन्टैक्ट योर प्रोडक्ट वेंडर। अब आप इसे धूल सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वो देखोगे कि नेट पे देखोगे कि से हाउ टू रिमूव दिस, बट ये क्यों आता है पहले हम आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये इंस्टॉलेशन पैकेज जो होता है या प्रोसेसर टाइप नॉट सपोर्टेड क्यों बोल रहा है। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस पे जो विंडोज 7 डाला है, इसमें शो हो रहा है ना, विंडोज 7 डाला है वो 32 बिट वाला है और x86 बेस्ड प्रोसेसर है, ठीक है। और ये इसलिए आती है एरर जब आपका 32 बिट होता है और आप उसमें 64 बिट की कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, तब ये एरर आती है। ये मेरा बहुत मुश्किल से पता चला, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इस एरर को दूर करना है तो इसका कोई भी उपाय नहीं है, आपको अपना 32 बिट हटा के 64 बिट डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर दूसरी सॉफ्टवेयर से चल जाएगा, लेकिन जो VMware है वो सिर्फ 64 बिट सपोर्ट करती है। थैंक यू।